अभी आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और पिंडी के दुल्हा मियां आमने सामने आ गए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने पिंडी बॉय का रास्ता रोक लिया। पिंडी से आने वाली बारात का रास्ता बंद रोड पर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी से आने वाली बारात बंद रोड पर फंस गई। दुल्हे मियां दुल्हनिया को मिलने को बेकरार हैं। बारातियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। पैदल ही मार्च शुरू कर दिया। बाराती बंद रोड से पैदल ही शादी हॉल तक जाने पर मजबूर हो गए। रास्ता बंद हुआ तो बारातियों ने पैदल जाने में ही बेहतरी समझी। दुल्हा की गाड़ी बाबू साबू इंटरचेंज पर ही फंसी है बारातियों की जानिब से, ऐसा बताया गया है। ट्रांसपोर्टर्स जो कि सड़ापा एहतजाज हैं, उनकी वजह से पिंडी का दुल्हा जो है वो उसकी बारात जो है वो रोक ली गई है और ट्रैफिक की वजह से दुल्हा मियां पैदल ही मार्च करना शुरू हो गए। और ना दुल्हा अपनी शादी को लेकर खासा एक्साइटेड लग रहा है कि पैदल ही चल पड़ी है बारात और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने पिंडी बॉय का रास्ता रोक लिया है। पिंडी से आने वाली बारात का रास्ता बंद रोड पर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी से आने वाली बारात बंद रोड पर फंस गई है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं फरहान यामीन से। फरहान यामीन, रास्ता नहीं खोला गया तो बाराती पैदल ही चल पड़े। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बंद रोड डबल सड़कों पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और दोनों जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई है। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का कहना है कि आज ट्रांसपोर्टर की जानिब से हड़ताल की कॉल की गई थी और वो रैली लेकर बेगम कोट शाहदरा से जो मरकजी रैली बाबू साबू के करीब थी वहाँ जाना था और फिर यतीम खाने और चुपबुर्जी से होकर उन्होंने मार रोड की तरफ जाना था, लेकिन पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ियों को सगिया पुल से रोका गया है, चाबी निकाल दी गई है, जिसके बाद वो यहाँ पर एहतजाज कर रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक बारात जो कि रावलपिंडी से आई थी यहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंस गई है, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, कितने बजे और कहाँ जाना था? हमने इब्राहिम रोड पर जाना है, थोड़ा सा फासला, लेकिन इन्होंने ट्रक एसोसिएशन की हमने मिन्नतें की हैं, तरले की हैं कि आपकी मेहरबानी, ये बारात है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उधर हाल का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे। और दूल्हा कहाँ है? दूल्हा भी कहीं फंसा हुआ, दूल्हा पीछे ट्रैफिक में, बाबू साबू फंसे हुए हैं, दूल्हा साहब बराती सारे इधर आ गए हैं, दूल्हा साहब अभी तक जो ना बोले। अब ये देखिए कि वहाँ से लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर जो है ना वो तय करना नहीं पा रहा है। और भी मौजूद है, आप क्या कहेंगे? 300 रुपये टमाटर किलो थी, वो साहब पे आए हैं 2020 आए, हम तोहफा दिया हमें, ये रोड बंद है, तुलपला से चढ़ गए हैं, जुर्माने डबल हो गए हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि और भी बरातियों से बात कीजिए, खवातीन शायद यहाँ कोशिश करेंगे उनके कमेंट्स लिए जाए। शादी में जा रही थी तैयार करके, खुशी का दिन तो और यहाँ फंस गई है, क्या ऐसी ट्रॉफी। और भी यहाँ खवातीन मुझे आंटी से पूछेंगी, आंटी कहाँ से आ रही हैं आप? अच्छा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी बारात है, बस है जो रावलपिंडी से आ रही थी और इस वक्त यहाँ ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है और इनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। चंद सौ कोस इनकी जो इनका कहना है कि हॉल है जहाँ पर जाना था, दूल्हा भी इस वक्त फंसा हुआ है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर ये फंसे हुए, शदीद उन्हें मुश्किल का सामना। फरहान, आपका शुक्रिया।